हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दामिनी, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ में, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कंटिन्यू करें अपने अपनी क्लास को फटाफट से। विपिन, जितेंद्र, हेलो, गुड इवनिंग। आ जाइए सब, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। नरेश चौधरी, गुड इवनिंग। आज की क्लास में अपन, जैसे कि देखा था कि लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या कर रहे थे, एक जो पेपर था अपने पास में नेपाल काठमांडू का, उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसी को सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उनको भी आज अपन देखेंगे, ठीक है। कुछ पेपर अपना रह गया था लास्ट क्लास में तो उसको कंटिन्यू करेंगे आज। जया प्रधान, गुड इवनिंग। फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए तो स्टार्ट करें। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिछला जो पेपर रह गया था उसी के कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, उसी को आगे, जो छूट गया था अपना अधूरा नहीं रख सकते। तो देखो, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इज द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। इमेज इंटेंसिफायर सबने देखा होगा, फ्लोरोस्कोपी के अंदर अपन जनरली पढ़ते भी हैं इमेज इंटेंसिफायर को, उसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि जनरली जो ट्यूब होती है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, उसकी जो उसका साइज है वो पूछ रहे हैं। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 या फिर 80 सेंटीमीटर, कितना होता है उसका साइज। महेश शहदेव चौधरी, हेलो, गुड इवनिंग। गंगा साय, दीपू, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बी 30 सेंटीमीटर, ओके। देखो इमेज इंटेंसिफायर की अपन बात कर रहे हैं, जनरली जब फ्लोरोस्कोपी अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिनेग्राफी जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी इमेज इंटेंसिफायर का अपन यूज पढ़ते हैं, यानी कि जहाँ पे जनरली जो भी मॉडलिटीज है, जहाँ पे अपन एक तरीके से इमेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, तो जो लाइव जो चल रहा है तो उसमें जनरली इमेज इंटेंसिफायर का यूज किया जाता है। और इसके में ट्यूब का साइज पूछ रहा है, तो ट्यूब का जो साइज है वो जनरली 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो बुक्स में अपने पास डेटा दे रखा है वो 50 सेंटीमीटर का डेटा है, और बाकी जो आगे की जो न्यू मॉडलिटीज है, जो न्यू मॉडर्न अभी जो यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अपने पास 50 to 70 अपन यूज करते हैं, ठीक है। बट अपन को अकॉर्डिंग टू बुक्स चल रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर साइज होता है किसका, आपकी इमेज इंटेंसिफायर की ट्यूब का। तो जो भी मेरे को सी आंसर कर रहे हैं, 50 सेंटीमीटर आंसर कर रहे हैं, इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एमआरआई इज सुपीरियर टू सीटी इन टर्म्स ऑफ, कि एमआरआई है जो क्या है, सुपीरियर है, एमआरआई बड़ी है किससे, सीटी से। कैसे, शार्पनेस ऑफ द इमेज, की यहाँ पे एमआरआई के अंदर आपको जो इमेज की शार्पनेस मिलने वाली है वो बेटर मिलती है, इसलिए अच्छी है। या फिर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन आपको बढ़िया मिलता है यहाँ पे, या फिर सेप्टिव रिजोल्यूशन आपको अच्छा मिलता है, या फिर एमआरआई का स्कैनिंग टाइम ज्यादा है या कम है, किस वजह से ये आपसे बड़ी है, आपसे नहीं सॉरी सीटी स्कैन से बड़ी है, सुपीरियर है, उसी का आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो बता दीजिए फटाफट क्या आंसर होने वाला है। कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, ओके, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी इमेज का कॉन्ट्रास्ट है वो आपको एमआरआई में बेटर मिलता है कंपेयर टू सीटी स्कैन, ठीक है। और एक आंसर इसके अंदर जो सेप्टियल रिजोल्यूशन है वो भी इसके अंदर ज्यादा मिलता है कंपेयर टू सीटी स्कैन, ठीक है। बट मेनली अपन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं और सेप्टियल रिजोल्यूशन, तो बेस जो लेके चलते हैं अपन, कॉन्ट्रास्ट को लेके चलते हैं, ताकि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अपन डेंसिटीज में जितना डिफ्रेंशिएशन होगा उतनी जितनी अपनी स्ट्रक्चर है उसको अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो बी आंसर है वो क्या हो जाता है, अपना करेक्ट हो जाता है। बाकी अभी मैं इसके अंदर कंफ्यूज हूँ, मैं आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी की नहीं आई। अब की के अंदर एग्जामिनर इसको सही मान रहा है या इसको सही मान रहा है, वैसे अगर अपन माने डेटा के अकॉर्डिंग तो बी जो आंसर है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स अप मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, है ना। मेजॉरिटी आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन ज्यादा मिलेगा, या कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो है वो एक्सरे बीम में ज्यादा होता है, या फिर ब्रह्मस्तर रेडिएशन। तो बात ध्यान में रखना कि एक्सरे बीम की बात कर रहा है, यानी कि आपका टारगेट है और इस टारगेट से ये आपकी एक्सरे बीम निकल रही है ना, ये क्या निकल रही है आपकी एक्सरे बीम। तो इसी की बात कर रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है, ब्रह्मस्तर रेडिएशन है, या फिर स्कैटर रेडिएशन है, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ब्रह्मस्तरंग रेडिएशन, बिल्कुल वेरी गुड बात, ठीक है। ब्रह्मस्तरंग रेडिएशन एक्सरे बीम की बात कर रहा है, तो एक्सरे बीम के अंदर सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट कई बुक्स के अंदर 80% है, तो कई में 90% है ना, तो ऑलमोस्ट 80 के समथिंग जो डेटा है वो अपन यहाँ पे लेके चलते हैं कि एक्सरे बीम के अंदर 80% जो है वो क्या होता है आपका, ब्रह्मस्तरंग रेडिएशन पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो कैसी होती है, हाई एनर्जी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफिक दे दिया होता कि भाई मेमोग्राफी ट्यूब की बात कर रहे हैं, तब आपको वहां पे देखना होता कि आपको कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो है वो आपका जो आंसर है वो क्या होता वहां पे, करेक्ट आंसर होता, ठीक है। लेकिन अपन को ऐसी कोई शर्त नहीं दी है, उसने नॉर्मली एक्सरे बीम का पूछा है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक कम होता है और जो ब्रह्मस्थलन रेडिएशन होता है वो क्या होता है, ज्यादा, ऑलमोस्ट 80% के समथिंग, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, नहीं सी वाला नहीं हो सकता। सी वाला जो है वो जनरली अगर सॉफ्ट टिश्यूज की यहाँ पे बात कर ला, मेमोग्राफी की बात करता तो अपन यहाँ पे कह सकते थे, ठीक है। लेकिन एक्सरे बीम की बात करिए तो एक्सरे बीम में कैरेक्टरिस्टिक भी है और ब्रह्मस्थलन भी है, ठीक है। बट मेजॉरिटी की बात कर रहा है तो आपको ध्यान में रखना है ब्रह्मस्थलन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन चलेंगे, तो आज भी कुछ बच्चे ज्वाइन हुए होंगे अपने साथ में डेफिनेटली टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस के साथ में। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लाइव कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, एमसीक्यू सेशन जो है वो रनिंग में है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो अपना जो कोर्स है वो ज्वाइन करना है। करना क्या है, कुछ नहीं, ईजी सा स्टेप है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो और अपना कोर्स ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन टीएलडी। टीएलडी की बात कर रहा है ये, है ना, टीएलडी की बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो यूज किया जाता है टीएलडी के अंदर वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा टीएलडी बैच के अंदर यूज किया जाता है। टीएलडी के बारे में अगर अपन बात करें तो सबको पता ही है क्या है, थर्मोल्यूमिनिसेंस डोजीमीटर, मतलब कि रेडिएशन, है ना, पर्सनल रेडिएशन डोजीमीटर अपन इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पर्सनल रेडिएशन डोजीमीटर। तो इसी की बात की जा रही है कि भाई सबसे ज्यादा आप क्या यूज करने वाले हैं यहां पे, सी। ओहो, ध्यान है आपको क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो करेंगे उसमें भी अपन बात करेंगे, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपने पास में, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। जनरली अपन इसका यूज करते हैं, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लिथियम फ्लोराइड तो आप यहाँ पे यूज कर ही कर रहे हो, है ना, लिथियम फ्लोराइड तो आप यहाँ पे यूज कर ही रहे हो। इसके अलावा और भी जो मटेरियल्स हैं वो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, उनका यूज भी अपन कर सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का यूज जो है वो भी अपन कर सकते हैं। बट अभी अपन ने क्या पढ़ा है, अभी तक अपन ने सिर्फ ये लिथियम फ्लोराइड जो है इसी को माना है, ठीक है, इसी को अपन ने क्या करा है, पढ़ा है। एक होता है लिथियम ब्रोमेट, ठीक है। तो ये कुछ है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं किसके अंदर, टीएलडी के अंदर। तो यहाँ पे जो सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मिंटू गुजर, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन एंड टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इज, ठीक है, कि आपका एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, यानी कि एटम के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है,
और इंट्रेक्शन होने के बाद में जो भी इंसिडेंट एक्सरे की मतलब जो एनर्जी है उसका क्या हो गया, पूरे का एब्जॉर्प्शन हो गया, पूरे का क्या हो गया यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरीके का जो काम है वो कहाँ पे होता है, आपके कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, थॉम्सन इफेक्ट के अंदर, या फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलेगी। वेरी गुड आंसर, पीई इफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में अपन इसको क्या पढ़ते हैं, पीई इफेक्ट बोल देते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर देखो यहां तक आने की आपको जरूरत ही नहीं थी, अगर आपने फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ ली तो यहां तक पहुंचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, है ना, कि इंट्रैक्शन जो है वो कहां से होगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से होगा। और हमें पता है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वहां से जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो किसके अंदर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका जो बी आंसर है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, सही हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक ये है कि भाई एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरा हो गया, तो आपकी जो पेशेंट की डोज है वो क्या हो जाती है इसके अंदर, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ना तो कोई स्कैटरिंग हुई और ना ही कुछ और हुआ, पूरा का पूरा जो रेडिएशन है वो क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो गया, और अब्सॉर्ब हो गया तो जाहिर सी बात है पेशेंट की जो डोज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसके अंदर पेशेंट की डोज सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है, तो वो होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि आपका पीई इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द एमए। ठीक है, कि अगर आप क्या कर रहे हो, फैक्टर्स यूज कर रहे हो, फैक्टर में हम यूज करते हैं क्या, एमए, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं क्या, मिली एम्पियर, है ना। तो मिली एम्पियर को अगर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या क्या काम कर रहे हो आप, अफेक्ट्स द शेप ऑफ रेडिएशन स्पेक्ट्रम, रेडिएशन स्पेक्ट्रम की जो शेप है उसको आप इफेक्ट कर रहे हो, इंक्रीज द पेनिट्रेशन एबिलिटी एंड आउटपुट रेडिएशन, पेनिट्रेट एबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हो और साथ ही साथ में रेडिएशन का आउटपुट भी इंक्रीज कर रहे हो, या फिर इंक्रीज द मैक्सिमम एंड इफेक्टिव एनर्जी, एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो यहाँ पे, या फिर आप इंक्रीज द आउटपुट ऑफ रेडिएशन, या सिर्फ आप रेडिएशन का जो आउटपुट है कि कितने अमाउंट के अंदर एक्सरे फोटोन्स हमें मिलेंगे, रेडिएशन हमें मिलेंगे, उसको हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, एमए की बात हो रही है। बिल्कुल, इंक्रीज द आउटपुट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एमए की बात कर रही है, घुमा फिरा के चीज को कैसे भी वो घुमा दे लेकिन आपको नहीं घूमना ना, एमए मतलब कि सीधा सा यहाँ की नहीं, नंबर की बात हो रही है ना, नंबर्स की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो ये जो है अगर इसके अंदर ये पेनिट्रेशन एबिलिटी नहीं होती तो हम इसको मान सकते थे कि सही था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, उन्होंने दोनों आंसर दे दिए कि क्वांटिटी भी दे दिया और साथ ही साथ में क्वांटिटी भी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दे दिया, तो ये जो ऑप्शन है ये अपन गलत मानेंगे इस चीज को। ठीक है, अपने पास में एनर्जी से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, एमएम यहाँ पे सिर्फ पड़ेगा क्या कि यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है डी, इंक्रीज द आउटपुट ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन की जो मात्रा है, जो उसका आउटपुट है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बढ़ा रहे हैं, क्या करके, एमए को इंक्रीज करके। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर मॉरल प्रिंसिपल ऑफ ए रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर के एक मॉरल प्रिंसिपल के अंदर क्या नहीं है, क्या चीज ऐड नहीं होती, फटाफट से आने दो आंसर दो, बेनिफिशियंसी, नॉन मेलिफिशियंसी, या फिर एफिडेलिटी, या फिर ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, रेडियोग्राफर के एथिक्स की बात हो रही है, क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर, बताओ भाई फटाफट से आंसर दो। डी, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, इसके अलावा, ओके बिल्कुल ठीक है, यानी कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इस तरीके के जो काम है ये रेडियोग्राफर के होते हैं। ठीक है, तो एथिक्स में अपन पढ़ते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है विच सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस सीरोटोनिन। इनमें पूछा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड सीरोटोनिन को क्या करती है, सिक्रेट करती है, गोबलेट सेल्स, स्पाइटल सेल्स या फिर अर्जेंटोफिन सेल्स या फिर जी सेल्स। कौन सी सेल्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, सीरोटोनिन को सिक्रेट करने वाली। हाँ, डिप्लोमा वाला एम्स का एग्जाम दे सकते हैं, बट वो एम्स पे डिपेंड करता है कि वो एग्जाम लेना चाह रहा है डिप्लोमा वालों से या नहीं लेना चाह रहा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम बोल देता है कि हाँ डिप्लोमा भी चल जाएगा, लेकिन उसमें वो एक्सपीरियंस मांगता है कि एक 1 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो उसके अकॉर्डिंग। और अभी तक जो वैकेंसीज हैं वो शायद 18 में आई थी, वो भी रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी आई हो तो वो मेरी नज़र में नहीं है, बट अभी रिसेंटली कोई वैकेंसी का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है उनका। क्या क्या बता रहे हैं, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात हो रही है ना, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात हो रही है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके अगर सेल्स की बात कर लेता ना, यहाँ पे ओनली सेल्स की बात करता ये, तो ध्यान में रखना कि अर्जेंटोफिन सेल्स और जी सेल्स ये दोनों ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो क्या करती है यहाँ पे सीक्रेट करती है। अर्जेंटोफिन सेल्स भी सीक्रेट करेगी और साथ साथ में जी सेल्स जो है वो भी। और अर्जेंटोफिन सेल्स जो होती है वो क्या करती है फिर आगे जाके सीरोटोनिन, हिस्टामिन और साथ में आपका सोमेटोस्टेटिन, और जी सेल्स जो है ये आपका जो होता है एक एक हार्मोन और होता है जो अपन इसके अंदर यूज करते हैं जनरली गैस्ट्रिन, ठीक है, इनका सिक्रेशन करते हैं। तो इसने सिर्फ सीरोटोनिन का पूछा स्पेशली, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे अर्जेंटोफिन सेल्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना अर्जेंटोफिन सेल्स सीरोटोनिन, हिस्टामिन और सोमेटोस्टेटिन तीनों का सिक्रेशन करेगी, और जो जी सेल्स है जी सेल्स क्या करेगी गैस्ट्रिन का, और ये दोनों जो सेल्स हैं ये सिक्रेट होती हैं बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। वर्क की अगर बात कर ले अपन की भाई वर्क क्या है इनका, तो ये जो है जनरली सीरोटोनिन और ये आपका जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है आप सबको पता होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जो फूड को इनकरेज करता है आगे जाने के लिए ना, तो उसके लिए क्या होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या रखना है यहाँ पे ध्यान में रखना है, और जो एच सी एल है, ठीक है, आगे जो ये सोमेटोस्टेटिन एच सी एल ये फिर आगे जाके एच सी एल को बढ़ा रही है, जो एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका सिक्रेशन कर रही है ना, तो वो फिर एक बहुत बड़ी एनाटमी हो जाती है, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ इतना सही इसके बारे में समझ लेना है, तो सीरोटोनिन मतलब अर्जेंटोफिन सेल्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब अर्जेंटोफिन सेल्स प्लस जी सेल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है टू डिमोन्स्ट्रेट न्यूमोथोरेक्स विच सप्लीमेंट्री प्रोजेक्शन फॉर चेस्ट परफॉर्म, ठीक है। किसी पेशेंट को क्या है न्यूमोथोरेक्स है, और न्यूमोथोरेक्स है तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे उसके लिए चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो उसमें पूछा जा रहा है कि चेस्ट एक्सरे में आप कौन सा एक्सरे करोगे, जनरली 7 से 8 व्यू अपन पढ़ते हैं, तो पेनिट्रेट एपी व्यू आप करोगे, लेफ्ट लेटरल व्यू करोगे, या पीए ऑन फुल इंस्पिरेशन या फिर पीए ऑन एक्सपिरेशन के अंदर आप करने वाले हो, बताओ किस लिए करने वाले हो आप। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या है, न्यूमोथोरेक्स का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्लूरल कैविटी है, ठीक है, प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का लीकेज, ठीक है, एयर लीक होने लग जाती है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। न्यूमो का मतलब हो जाता है, न्यूमो से सीधा सा मतलब समझ लेना कि न्यूमो अगर जहां पे आ जाए तो वहां पे बात हो रही है आपके एयर की या फिर गैस की, तो इसके लिए अपन परफॉर्म करते हैं जनरली कौन सा पीए ऑन फुल इंस्पिरेशन, बोलते हैं ना कि सांस रोको सांस ले लो, है ना, इस तरीके से। तो सांस बाहर छुड़वा के तो अपन करते ही नहीं है, सांस रुकवा के पेशेंट को फिर एक्सरे करते हैं। तो ध्यान में रखना न्यूमोथोरेक्स की बात आ जाए, न्यूमोनिया की बात आ जाए, तो इन सब में आपको कौन सा व्यू करना होता है, इन सब के अंदर आपको पीए व्यू ही करते हो और इनको सबको आप इंस्पिरेशन के अंदर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन फॉर मैस्टोइड, मैस्टोइड के लिए बोला है कि सबसे कॉमन प्रोजेक्शन जो है वो कौन सा है,
लेटरल ऑब्लिक आप करोगे, फ्रंटो ऑसिपिटल करोगे, एसएमटी करोगे या फिर लेटरल मैस्टोइड, सुना होगा ना, एयर सेल्स वगैरह के लिए, एयर सिक्रेशन करा भी होगा, ये तो जनरली होता है, अभी भी होता है। कुछ व्यू तो ऐसे हैं जो लुप्त ही हो गए हैं बिल्कुल डायनासोर के जैसे, जिनको कोई डॉक्टर्स नहीं करवाते, करते भी नहीं और अपन को करने को मिलते ही नहीं है ना। लेकिन कुछ व्यूज जो हैं जो अभी भी बचे हुए हैं डिपार्टमेंट में, अपन को करने पड़ते हैं, तो उनमें से एक जो है वो ये है। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पोजिशन आप जनरली परफॉर्म करते हो, तो बिल्कुल ए डी गहरवाल डी आंसर, ठीक है। तो मैस्टोइड के लिए सब लोगों ने देखा होगा लेटरल पोजीशन अपन क्या करते हैं, पेशेंट की बनाते हैं ना, ट्रू इसका लेटरल पोजीशन अपन बनाते हैं, ठीक है। कौन सी पोजीशन बनाते हैं, ट्रू इसका लेटरल पोजीशन बनाते हैं, पिना को इनरली फोल्ड करवाया, और इनरली फोल्ड करवा के अपन सेंटर डिस्क पास कर देते हैं ओनली, जनरली 15 डिग्री जो एंगल है ना उसके साथ में। चलो तो लेटरल मिंटू गुर्जर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू डिटेक्ट रेजिडुअल स्टोन इन द बाइलरी डक्ट। बाइलरी डक्ट के अंदर स्टोन है, उस स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए आप जनरली कौन सा जो प्रोसीजर है वो आप यूज करने वाले हो, पीटीसी आप करने वाले हो, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी आप करने वाले हो, ईआरसीपी करने वाले हो, या फिर आप करोगे क्या आईवीसी। स्टोन के लिए बात हो रही है कहाँ पे, बाइलरी ट्रैक के अंदर, ठीक है। और बाइलरी ट्रैक के अंदर आपको भी पता है कि जो स्टोन है वो जनरली इसमें गॉल स्टोन जो है, ठीक है, गॉल स्टोन, तो इसी के लिए पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा यही होता है इसके अंदर। तो इसके लिए अपन क्या कहते हैं, पीटीसी, टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, ईआरसीपी या फिर आईवीसी। डी आईवीसी, रेजिड्यूअल स्टोन के लिए, बची हुई है स्टोन, अभी थोड़ी स्टोन बची हुई है उसके अंदर, बाकी निकल गई। आईवीसी आईवीसी आईवीसी, ओके। और कोई आंसर किसी के पास, आज का आपका क्वेश्चन ये है, कल इसे सॉल्व करके लेके आओगे आप, इतना कंफ्यूजन। आज की बात से आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो ना नेक्स्ट डे आप ही सॉल्व करोगे उसे, मैं नहीं करवाऊंगी, कल सॉल्व करके लेके आना इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द बेस्ट व्यू टू विजुलाइज मिनिमम न्यूमो पेरिटोनियम इज, ठीक है। न्यूमो पेरिटोनियम, न्यूमो पेरिटोनियम का मतलब, न्यूमो का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे न्यूमो आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, एयर और गैस, है ना। और पेरिटोनियम का मतलब कि एब्डोमेन में अपने क्या प्रेजेंट होती है, सुन देखा होगा पेरिटोनियम कैविटी, देखा नहीं होगा तो पढ़ा तो होगा ही, तो उसके अंदर अगर गैस प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट व्यू है, कि एपी व्यू ऑफ एब्डोमेन या फिर इरेक्ट फिल्म ऑफ एब्डोमेन या फिर राइट लेटरल डेक्यूबिटस या फिर लेफ्ट टेक्रल लेटरल डेक्यूबिटस, ठीक है। और अगर किसी वर्ड के आगे हाइड्रो लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझना है किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे फ्लूड के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एयर और गैस के बारे में, और एयर और गैस की बात हो रही है तो फटाफट से आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए था अब तक, ठीक है। न्यूमो पेरिटोनियम यानी कि आप ये समझ लो कि एब्डोमेन के अंदर क्या है, गैस है। न्यूमो पेरिटोनियम एपी व्यू ऑफ एब्डोमन, एपी व्यू ऑफ एब्डोमन की अगर अपन बात करें तो ये बात कर रहा है आपसे केयूबी के बारे में, किसके बात कर रहा है, केयूबी के बारे में, जो अपन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एयर को अगर अपन को जब भी देखना होता है तो अपन को उसको अप लेवल लेना होता है, ठीक है, जबकि एयर जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाए, एक तरह इकट्ठी हो जाए, है ना। अगर इस तरीके से पेशेंट है तो वो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच क्या गया अपने पास, डेक्यूबिटस की अपन बात करें तो ये जनरली अपन फ्रूड के लिए करते हैं, तो बच क्या गया अपने पास, सिर्फ ओनली इरेक्ट व्यू, ठीक है। ये फिल्म भी लिखा हुआ था बट ये व्यू है, ठीक है, इरेक्ट व्यू यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो एक एब्डोमेन का अपन व्यू करते हैं, करा होगा सब लोगों ने, बेसिक्स आए उसी के बारे में, यानी कि अगर एयर देखनी है तो अपन को इरेक्ट पोजिशन के अंदर पेशेंट को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फेशियल बोन आर क्लियरली सीन इन, फेशियल बोन्स की बात हो रही है
किसके अंदर दिखेगी, स्केलेटल के अंदर, ओपन माउथ व्यू के अंदर, वॉटर्स व्यू के अंदर, या फिर स्टैनवर्स के अंदर आपको दिखेगी। स्केलेटल की बात कर लें तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि पोजीशन जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल हो जाएगा, और अगर 90 डिग्री पे एंगल हो जाएगा तो हाफ जो पोर्शन है वो ही नजर आएगा, हाफ पोर्शन हमें दिखाई देगा ही नहीं। उसके बाद में ओपन माउथ की अगर अपन बात करें तो ओपन माउथ में अपन कैसे करते हैं, आ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, बेसिकली अपना जो मोटो होता है ओपन माउथ में वो ऑडेंटोइड प्रोसेस को देखना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उसके अंदर भी अपन को क्लियरली नहीं नजर आएगा। उसके बाद है अपना वॉटर्स व्यू, और चौथा है आपका स्टैनवर्स व्यू। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें जनरली आपको किसके अंदर दिखेगा, वॉटर्स व्यू के अंदर या फिर स्टैनवर्स के अंदर। वॉटर्स व्यू, बिल्कुल ठीक है। वॉटर्स व्यू में क्या करते हैं कि वॉटर्स व्यू में पूरा जो फेस है अपना वो कैसेट को टच रहता है, ठीक है, तो अपन को पूरी ऑलमोस्ट जो आपकी फेशियल बोन्स हैं वो अपन को इजीली विजुलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि कई बार फेशियल बोन्स को देखने के लिए भी अपन वॉटर्स व्यू कर लेते हैं ना। वॉटर्स व्यू जनरली साइनस के लिए अपन करते हैं, बट साइनस के साथ साथ जैसे कि जाइगोमेटिक बोन है ना, या फिर जैसे कि फेस इंजरी हो गई कोई, तो उसके लिए भी अपन इसको परफॉर्म कर लेते हैं, और साथ ही साथ में नेजल सिक्रेशन है, यानी कि साइनस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है ये भी, तो नेजल सिक्रेशन है, तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं तो ये भी इंडिकेशन है किसके, आपके वॉटर्स व्यू के, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोजेक्शन है उसके बारे में आपसे बात की जा रही है, कि कौन सा करते हैं आप, स्केफोर्ड सीरीज करते हैं या फिर नॉरगार्ड प्रोजेक्शन करेंगे, पीए अल्ना डिविशन करेंगे, या फिर ये स्ट्रेचर प्रोजेक्शन जो है ये आप करने वाले। क्वेश्चन को ध्यान में रखना, हाँ ये जो नेपाल वाला अपना पेपर चल रहा है अभी, काठमांडू वाला, ये उसी के क्वेश्चंस हैं। बताइए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात हो रही है, हिमांशु सिंह डी, नो। देखो इसके लिए नॉरगार्ड एक प्रोजेक्शन होता है जो बिल्कुल बॉल कैचर जैसे होता है, ठीक है। बॉल कैचर व्यू करते हैं ना अपन इस तरीके से, ये हाथों को इस तरीके से रख के कैसेट के ऊपर, और एक बॉल कैसेट व्यू किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको नॉरगार्ड व्यू भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात आ जाए, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको या तो ये नाम ध्यान में रखना है, कौन सा, नॉरगार्ड व्यू, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में अगर आपके पास में ना हो तो आपको ध्यान में रखना है क्या, बॉल कैचर व्यू, ठीक है। पोजीशन की बात कर लें तो पोजीशन कुछ खास नहीं है, बस बोथ हाथों से, दोनों हाथ होते हैं उनको कैसेट पे इस तरीके से रखा जाता है। हालांकि मेरी तो पोजीशन बिल्कुल करेक्ट बन रही है, बट आर्थराइटिस में जो बोन्स हैं वो बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, एक तरीके से जाम हो जाती है ना, तो वो जैसे पोजीशन बना पाते हैं उसी तरीके से, तो दोनों को इस तरीके से रख के और अपन क्या करते हैं, अपना व्यू जो है उसको परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बी है वो यहाँ पे राइट आंसर है, नहीं सी नहीं, अल्ना डिविशन नहीं, वो तो अगर स्पेस वगैरह हो गया आपका, इसके फील्ड वगैरह, तो उसके लिए अपन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं इसके अंदर, तब तक आप क्लास को लाइव करो, फटाफट से शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ रहा है ना पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है अपन को, है ना। अब एग्जाम का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इमेज के तरीके से भी हो सकता है, तो ये एक पेपर अपन ने सॉल्व कर दिया तो थोड़ा सा आइडिया अपन को लग गया कि यहाँ क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है। तो आगे आगे अगर आप लोगों के पास में भी कोई ऐसा पेपर हो जो सॉल्व नहीं हो तो आप वो बता देना, उसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। फिर क्लास को लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है ना। एक्चुअली क्या है कि ऐसी तरीके की जो चीजें होती है ना उनको अपन छोड़ देते हैं, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ और मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ इस चीज को, कि हम जो चीजें हैं ना वो जीरो से लेके और
100 तक जब तक वो चीज़ कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको नहीं करना चाहिए, है ना, तब तक उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, तब तक उसको पीछे पड़े रहो उसके। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी सा था, लेकिन बहुत सारे इसके ना, बहुत जो मेरे सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे भी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में, पेपर हमने डिस्कस किया था, तो इसमें ना बहुत सारे जो गलत हो गया था आंसर, ठीक है। तो बट आपका देखते हैं क्या रहता है। देखो द यूजुअल कंसेंट्रेशन ऑफ BSO4 इन बेरियम स्वेलो, बेरियम स्वेलो के अंदर यूजुअल कंसेंट्रेशन यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का आपसे पूछ रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन यूज करते हैं उसके अंदर क्या, बेरियम सल्फेट। तो बताओ कितनी जो ये W/V जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वेट पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम। तो बताओ कितना यूज करोगे, 100%, 115%, 150, 150 या फिर 250? ये लाइव क्लास चलती है राजस्थान स्टेट के जयपुर से, जयपुर में भी विद्याधर नगर, अब पूरा एड्रेस मुझे भी नहीं पता, ठीक है, जयपुर से चल रही है विद्याधर नगर। 250, ओके सी, ओके 150, ठीक है, और कोई आंसर? देखो बता रही हूं मैं, चारों का ही बता रही हूं ना, चार व्यू अपन जनरली परफॉर्म करते हैं, उन चारों व्यू का ही मैं बता रही हूँ, ध्यान में रखना है ना, क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, लेकिन अपन क्या छोटी चीजों को छोड़ देते हैं, ध्यान में नहीं देते, ठीक है। अगर आपसे बात कर ले ये BMFT की, तो आपको ध्यान में रखना 100%, और एनिमा की अगर आप उससे बात कर ले तो आपको ध्यान में रखना है 115%, ठीक है। और बच क्या गया आपके पास, बेरियम मील और बेरियम स्वेलो, ठीक है, इनके अंदर अपन यूज करते हैं दोनों के अंदर 250% वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, बहुत सारी जगह ये नहीं मिलता है बुक्स के अंदर, बहुत कम बुक्स में है ये, है ना। BMFT की बात होता है तो 100%, एनिमा की अगर बात हो जाए तो आपको ध्यान में रखना 115%, और अगर मील और अगर स्वेलो की बात करें तो हमेशा ध्यान में रखना कितना, 250%, ठीक है। नहीं ऑफलाइन नहीं होती अभी, सिर्फ ऑनलाइन ही होती है क्लासेस, ठीक है। तो अपन से पूछा है यहाँ पे किसके बारे में, स्वेलो के बारे में पूछा है, तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, 250%, ठीक है, 250% वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन यूज करते हैं किसके अंदर, आपके बेरियम स्वेलो और साथ ही साथ बेरियम मील, इन दोनों के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो शायद अपन ने क्लास में लिया भी था, स्ट्राइकर व्यू इज डन फॉर, स्ट्राइकर व्यू जो है वो किसके लिए किया जाता है, शोल्डर के लिए कर रहे हैं, नी के लिए कर रहे हैं, एंकल के लिए कर रहे हैं, या फिर हिप के लिए कर रहे हैं। स्ट्राइकर व्यू एक बार बताया भी होगा शायद मैंने, कुछ इस तरीके से इसकी पोजिशन बना के, और फिर अपन सेंटर इस पास करते हैं मिड से, तो इसी में बताओ शोल्डर के लिए, इसकी नी के लिए, एंकल के लिए, या फिर हिप के लिए। अब तो मैंने आपको बता ही दिया हाथ का है, तो हिप एंकल नी ये सब तो कैंसिल ही हो जाते हैं, बच क्या जाता है सिर्फ आपके पास में शोल्डर। अभी तो कौन अप्रूव्ड है कौन अप्रूव्ड नहीं है कुछ नहीं कह सकते, तब तक कोई विज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है, विज्ञप्ति आएगी उसके बाद ही पता चलेगा सारी चीजों का। ऑफलाइन, ऑफलाइन वीडियो कैसे मिल सकता है, यूट्यूब पे सेव रहेगा, आपको जब देखना हो तब देख लेना शोल्डर। चलो जी हाँ, अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, बट सिलेबस तो बस वही है कि बाकी सिलेबस तो बाहर से तो क्या ही जाएगा, बाकी जो अपन जो पढ़ते हैं वही आएगा, इससे बाहर तो कुछ जाने वाला नहीं। बट हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हिंदी आए, इंग्लिश आए, मैथ आए, GK आएगा, रीजनिंग आएगा, वो वाला एक मेथड अलग है, बट अपना जो मेन सिलेबस है वो तो यही रहने वाला है ना। नेक्स्ट देखो, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है बट समझना इसको, आया हुआ क्वेश्चन है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स इन फूड, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो फूड के अंदर क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। विच कैन डिस्ट्रॉय सेल मेम्ब्रेन्स एंड अटैक DNA, फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे कि DNA को अटैक करेंगे और सेल मेम्ब्रेन को अटैक करेंगे और प्रोटीन को, दस प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, किस लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। तो वो प्रोसेस का नाम बताना है कि उसको अपन पाश्चराइजेशन, रिडक्शन, इरेडिएशन या फिर ऑक्सीडेशन,
क्वेश्चन को समझ लेना ध्यान से, ऐसा प्रोसेस जो फ्री रेडिकल्स को क्रिएट कर रहा है, और फ्री रेडिकल्स आप लोगों को पता है कि फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि बॉडी में जहां भी ये मतलब रिएक्शंस कर देंगे अपने जो डीएनए है जो सेल्स है ना उसको क्या कर देते हैं, ये डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो उसी किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो बताओ कौन सा ऐसा प्रोसेस हो सकता है। हाँ, बार बार जब डिसलोकेशन होता है तो उसके लिए अपन स्ट्राइकर व्यू जो है वो परफॉर्म करते हैं। नरेश चौधरी 333, बिल्कुल इरेडिएशन। देखो यहाँ पे बात हो रही है फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपनी बॉडी को ही लेके बात समझ लो इसको, कि अपनी बॉडी के अंदर भी जब बायोलॉजिकल इफेक्ट कोज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है इसके अंदर की जो रेडिएशन है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, जो वाटर्स हैं वाटर जो है उसके साथ आयंस बना रहा है, फ्री रेडिकल्स बना रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बना रहा है, ठीक है। और वाटर्स फ्री रेडिकल्स बनाने के साथ में फ्री रेडिकल्स क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स यही कर रहा है कि जो हमारी सेल है हमारा जो डीएनए है उसको क्या कर रहा है मतलब उसको डेड कर रहा है, उसको डेथ कर रहा है, उसको कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने लिए तो नुकसानदायक हो गया है ना, हमारे लिए तो बायोलॉजिकल इफेक्ट कॉज कर रहा है तो ये हमारे लिए तो नुकसानदायक है, ठीक है। लेकिन जो फूड्स होते हैं जिनको अपन को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ना बहुत टाइम तक, जिनको संरक्षित करके रखना पड़ रहा है, तो संरक्षित किससे रख रहे हैं अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर जब तक उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं होंगे तब तक वो क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, आप उसको खा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि उस फूड को इरेडिएट करते हैं, है ना, उस फूड को क्या करते हैं इरेडिएट, जिसके अंदर जिससे क्या होगा फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो फ्री रेडिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो उनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, उनके डीएनए को प्रोटीन को वहीं की वहीं मार देंगे, ठीक है। तो जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी और आपका जो फूड है वो कैसा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम इरेडिएशन का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन के लिए भी हम इरेडिएशन करते हैं चीजों को। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपका जो रेडिएशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कारगर जो है वो क्या होता है, साबित होता है, ठीक है। बट हाँ, ये हो सकता है कि जब चीजों को इरेडिएट किया है आपने, उन चीजों को रेडिएट किया है, तो फूड का जो मतलब कॉजेस की अपन बात करें तो जैसे कि फूड का जो टेस्ट है ना, उसका फ्लेवर जो है एक नेचुरल जो फ्लेवर है वो आपको नहीं आया, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में, उसका जो कलर है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये कॉज होते हैं। जैसे कि अगर अभी कोई फ्रेश चीज आप खा रहे हो और उसको 10 दिन तक आप प्रिजर्व करके खा रहे हो, फ्रिज में रख के आप खा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है डाउन होती जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, प्रिजर्व चीजें हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रिजर्व होती हैं, तो उनका यूज जितना पॉसिबल हो कम से कम ही करना चाहिए हमको, ठीक है। फ्रेश चीजें खाओ, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रेश है, उनका अंदर कोई प्रिजर्वेशन नहीं किया जाता है, तो वो आप खाइए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ, ठीक है, कि कोई एलिमेंट है जो क्या है आइसोटोप है, तो उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ, सेंटेंस को आपको पूरा करने की डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, बताइए क्या हो सकता है। आइसोटोप की बात कर रहे हैं और आइसोटोप के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, आइसोटोप के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा इनका, सेम होगा, ठीक है, सेम क्या होगा एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, लेकिन जो मास नंबर है यानी कि जो मास नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब तो आप मेरे को बता ही दो, और एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात कर लूं कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है और मास नंबर का मतलब क्या है, तो भाई एटॉमिक नंबर का मतलब होता है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और अगर मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर में सिर्फ एक ही चीज जो है वो अपनी काउंट होती है, और जिसको अपन कहते हैं क्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। बट ये भी चीज ध्यान में रखना कि ऑलमोस्ट जो प्रोटोनों की संख्या होती है वो, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अब आप मुझे बता दो, अब तो मैंने सारा आपको बता दिया,
क्या हो सकता है यहां पे आंसर? सी सी तो ये तो हटा ही दो, ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे ही है, छोड़ दो इनको। तो सारा जो मामला है वो इस प्रोटोन और न्यूट्रॉन पे अटका पड़ा है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है नहीं आ रही? वॉइस इशू अभी भी आ रहा है क्या किसी को? ए ओके, न्यूट्रॉन बिल्कुल ठीक है। देखो आइसोटोप की बात कर रहे हैं ना, तो आइसोटोप में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो सेम है ठीक है, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, आपका मास नंबर हो गया, सीधा सा है ठीक है। और अगर इसकी जगह जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते किसके बारे में, आपके आइसोबार के बारे में बात कर ले, तो आइसोबार के अंदर क्या होता है कि जो जेड है वो डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और जो ए है वो क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान है वो इसका सेम हो जाएगा ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको दो चार बार अच्छे से रट्टा लगा लगा के पढ़ना, तब जाके समझ आएगा ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अ थ्री टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर इमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके ठीक है। थ्री टाइप के रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, सब लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, वही आपको बताने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, कि जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर डीके होता है किसके लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ठीक है, किसके लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें जनरली तीन टाइप के डीके जो है वो अपन को देखने के मिलते हैं। नहीं नहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है, और हाँ मैंने उल्टा बता दिया सॉरी। बताओ कौन कौन से टाइप के जो रेडिएशन है वो इसके अंदर से निकलने वाले हैं? डी बिल्कुल ठीक है, डेल्टा जो है यही नहीं निकलता, बाकी बीटा गामा और अल्फा ये तीनों टाइप के जो रेडिएशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वापस से देखना इसको एक बार, इसके अंदर मास नंबर, सॉरी मास नंबर होगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो ये एटॉमिक नंबर है, ये सॉरी जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, बट अब वो हर केस के अंदर नहीं होता ठीक है, चेंज हो सकता है वो। नेक्स्ट देखो, इसका तो हो ही गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास हीलियम न्यूक्लियाई पार्टिकल आर कॉल, हीलियम न्यूक्लियाई पार्टिकल की बात हो रही है, पूछ रहा है इसको अपन क्या कह सकते हैं, गामा पार्टिकल कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल, या नौ पार्टिकल दैट आर हीलियम, कि इनके अंदर से मतलब हीलियम के अंदर कोई ऐसे तरीके का जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है ही नहीं। हाँ हाँ ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है ठीक है ना, इंसान यूं मैं भी गलती हो जाती है, ऐसे क्या कर रहे हो यार। मैं पहले ही आप लोगों से कह रही थी कि ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ये। बताइए हीलियम न्यूक्लियाई पार्टिकल्स आर कॉल्ड, गामा बीटा अल्फा सी बिल्कुल। गामा के अंदर तो गामा रेडिएशन निकल ही रहा है, बस एनर्जी चेंज हो रही है। बीटा की अपन बात कर ले तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा, और जब अल्फा डीके होता है तभी हमें क्या मिलता है वहां पे, हीलियम मिलता है। तो हम हीलियम को क्या कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, जब भी अल्फा डीके होगा किसी एटम का तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे हमें मिलेगा हीलियम ठीक है। ये डी आंसर क्या सोच के किया भाई आपने बालकिशन वर्मा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द यूनिट यूज टू मेजर द डोज ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की डोज को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, ये जूल है
जूल का यूज करें, रोंजन का यूज करें, नुक्लिया का यूज करें, या फिर हम यूज कर ही नहीं रहे कुछ भी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। रोंजन का यूज कर रहे हैं, ओके। और कोई? बिल्कुल, देखो रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम इनमें से जनरली यूज करते हैं किसका, रोंजन का। और अगर रोंजन आपसे पूछ ले कि रोंजन जो है वो किसकी यूनिट है, तो ध्यान में रखना रोंजन जो है वो यूनिट है आपके एक्सपोजर की, ठीक है। एक्सपोजर को जब हमें मेजर करना होता है, यानी कि जनरली जब हमें आयोनाइजेशन को देखना है, ठीक है, आयोनाइजेशन को मेजर करना है कहां पे, एयर के अंदर। टू मेजर द आयोनाइजेशन इन एयर, और कहां पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट। एट ए पॉइंट, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम अपन बता सकते हैं यहाँ पे। तो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका भाई, रोंजन का यूज करते हैं। और जो रोंजन है वो किसके यूनिट है, आपके एक्सपोजर की यूनिट है। और जो ये कैसे यूनिट है, ये कन्वेंशनल यूनिट है, ठीक है। कन्वेंशनल यूनिट का मतलब क्या हो गया, ये पुराने यूनिट है। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो कई बार पूछी गई है हमसे कि वन जो रोंजन है, वन रोंजन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो ध्यान में रखना इसकी वैल्यू होती है 2.58 इंटू 10^4 किलोग्राम ऑफ एयर, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इसकी वैल्यू है, तो इसको ध्यान में रख लेना। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वन रोंजन की वैल्यू आपसे पूछी है, तो वन रोंजन की वैल्यू होती है 2.58 इंटू 10^-4 कूलाम पर केजी ऑफ एयर। यानी कि जब आयोनाइजेशन को क्या देखना है, हमें मीजर करना है, ठीक है। और ये जितेंद्र कुमार जी एक बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, ये डोज को मीजर नहीं करता, ठीक है। ये सब एयर, यानी कि ये आपकी बीम है और ये आपका पेशेंट है, तो इन दोनों के बीच में कितना आयोनाइजेशन हो गया एयर को, सिर्फ उसके मीजरमेंट के लिए ही हम यूज करते हैं किसका, एक्सपोजर का यूज करते हैं, ठीक है। डोज के मीजरमेंट के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके पास कोबाल्ट 60 सोर्स ऑफ विच काइंड ऑफ रेडिएशन विच इज यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कोबाल्ट 60 जो सोर्स है वो हम एज ए रेडिएशन यूज कर रहे हैं किसके लिए, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए। तो बता दो कौन सा है इसके अंदर से, गामा, अल्फा, एक्सरे या फिर नन। अब कोबाल्ट 60 की बात कर रहे हैं तो कोबाल्ट 60 का सीधा सा मतलब हो गया क्या, कोबाल्ट 60 का सीधा सा मतलब हो गया कि ये हमसे किसकी बात कर रहा है, गामा रेज की बात कर रहा है। और गामा रेज जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो प्रिजर्वेशन के लिए भी हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले अल्फा के बारे में, तो अल्फा जो है ये स्मोक डिटेक्टर्स के लिए, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक्सरेज की बात कर ले तो एक्सरेज जो है वो जनरली फिजिकल कंटामिनेशन के लिए, टू डिटेक्ट द फिजिकल कंटामिनेशन, ओके। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए, यानी कि कोबाल्ट 60, ठीक है। चलो जी, विदाई लेने का समय आ गया है, एक मिनट ज्यादा ले लिया आज मैंने। चलिए, तो क्लास कैसी लगी, आप लोग अपने रिव्यू नहीं बताते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम क्लास अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या समझ आया, क्या नहीं आया, कुछ नया सीखा, नहीं सीखा, जो भी चीजें हैं, ठीक है। ना ही क्लास के लाइक आते हैं, बिना कहे डेली डेली मेरे को कहना पड़ता है क्लास को लाइक कीजिए, ना ही आप शेयर करते हैं, तो ये तो गलत ही बात है ना। मैं 100% आप लोगों को दे रही हूँ अपना, तो आप भी मुझे थोड़ा 10% ही दे दो, बहुत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आज पूछा है मैंने आपसे, उसका क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, मैं भूल गई, अभी बताते हैं उसके बारे में, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में बात की थी अपन ने ना, कि ऑटोमेटिक प्रोसेसर में डेवलपर का टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो उसमें टेम्परेचर ये था
हाँ, एम्स और राजस्थान के अलावा तो भरमार वैकेंसी आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ वैकेंसी आती है, बस आप लोग अपडेट अपडेट रहा करो, ठीक है। तो उसमें ये था कि जनरली अपना जो टेम्परेचर होता है वो 18 से 20 डिग्री का अपन रखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर क्या कि 35 दे रखा है, कुछ के अंदर 22-25 दे रखा है, कुछ के अंदर 22-22 दे रखा है, 20 से 22 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा जो वेरिएशन है वो अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अपन जनरली अगर बात मान के चले तो ये एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो एग्जामिनर अपने हिसाब से बनाता है कि इसका आंसर है, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो उसमें ए जो आंसर था अपना 18-20 डिग्री, तो वो अपन करेक्ट मान सकते हैं, बाकी का जो है वो डेटा फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर अपन नहीं रख सकते, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन पूछा है, अभी आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर लेना, एड्रेस एक्चुअली मुझे भी प्रॉपर नहीं पता है, मुझे ये पता है विद्याधर नगर, तो आप बात कर लेना, मैं बता दूंगी आपको ना, बात के बाद दूंगी, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।